अब देखते हैं पॉलिंग्रेन। पॉलिंग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिंग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब होता है गैमेटोफाइट का? गैमेटोफाइट का मतलब वो स्ट्रक्चर जो कि गैमेट प्रोड्यूस करे, वो स्ट्रक्चर जो गैमेट प्रोड्यूस करता है वो कहलाता है गैमेटोफाइट। इसका मतलब पॉलिंग्रेन से भी गैमेट बनता होगा। तो पॉलिंग्रेन रिप्रेजेंट किसको करता है? मेल गैमेटोफाइट को। जब पॉलिंग्रेन मैच्योर हो जाता है तब उसमें दो सेल होते हैं, एक जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरा कहलाता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा सेल होता है, इसका न्यूक्लियस साइज भी इरेगुलर होता है। जनरेटिव सेल छोटा सेल होगा और इसका जो न्यूक्लियस होता है स्पिंडल शेप्ड होगा। लगभग 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिंग्रेन इन्हीं दो सेल स्टेज पर क्या होते हैं, एंथर वॉल को तोड़कर बाहर निकलते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, हाँ स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है जनरेटिव सेल। लेकिन कुछ प्लांट्स में रिमेनिंग एंजियोस्पर्म हम ये देखते हैं कि जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना लेगा। तो कितने सेल हो गए? तीन सेल, दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। तो 40% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो थ्री सेल स्टेज पर होता है। तो कुछ चीजें इसमें जान जाओ। एंजियोस्पर्म में जनरली पॉलिनेशन जो होता है, मतलब पॉलिंग्रेन जो की जो शेडिंग होती है वो दो सेल स्टेज पर होता है। ठीक है, पॉलिंग्रेन शेड दो सेल स्टेज पर किसमें होगा? टू सेल स्टेज पर होता है, थ्री सेल स्टेज पर होता है, फोर सेल पॉलिनेशन टू सेल स्टेज पर एंजियोस्पर्म में होगा, थ्री सेल पर जनरली देखने मिलता है साइकस में, फोर सेल स्टेज पर होता है पाइनस में, और फाइव सेल होता है इसमें इफेड्रा में, और 13 सेल स्टेज पर पॉलिंग्रेन गिरता है किसमें? स्लेजनेला। तो पॉलिंग्रेन का जो पॉलिनेशन होता है एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज पर, साइकस में थ्री सेल स्टेज पर, पाइनस में फोर सेल स्टेज पर, इफेड्रा में पांच, और स्लेजनेला में 13 सेल स्टेज पर पॉलिंग्रेन की शेडिंग होती है। पॉलिंग्रेन एंथ्रोवॉल को तोड़कर बाहर निकलता है और करवाता है पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म जान जाओ, जैसे बोल रहा हूं लिख लो, जैसे कि हमने बताया था कि एग्जाइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। तो एग्जाइन का वो पार्ट जहां पर स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर वो पार्ट है एग्जाइन का जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, पॉलिंग्रेन की जो वायबिलिटी होती है कि कितने समय तक पॉलिंग्रेन वायबल होगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। तो पॉलिंग्रेन की जो वायबिलिटी होती है डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। और तीन फैमिली होती है, उसको हम याद कर ले, एल एस आर, मतलब लेगुमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी। लेगुमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी, इन तीन फैमिलीज में वायबिलिटी जो होती है पॉलिंग्रेन की वो महीनों होती है। मतलब लेगुमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी में पॉलिंग्रेन की वायबिलिटी महीनों तक बनी रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलिंग्रेन। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है।